बर्थडे सेलिब्रेट कर लो कर ले रहा हूँ। इतने साल जो भी बर्थडे सेलिब्रेट करता था वो मेरा छोटा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ से कर ले रहता है। अभी ये बर्थडे एमपी बनने के बाद पहली बार बर्थडे मना ले रहा। ये बर्थडे के लिए इतने सारे लोग मेरे भाई बहन लोग आके सुबह से जो इतने प्रेम से विश कर रहे, ये मेरा महत्वपूर्ण बर्थडे होगा। अगले आने वाले बर्थडे भी आपके साथ करने के लिए इच्छा कर हेड ऑफिस आरामगढ़ पर आज एक ऐसी तकरीब हम रखे हैं एक ऐसी शख्सियत के लिए जो हमदर्दी में सादगी में बेमिसाल है, जो हमारे अब्दुल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब के नूर नज़र भी है। जनाब रंजीत रेड्डी साहब की सालगिरह की तकरीब केएमआर स्टाफ और इलाकाई कायदीन भी यहाँ पर मौजूद है। माशाल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पे तकरीब का इनेकाद किया गया था। साहब की यहाँ पर शमूलियत भी हमारे लिए खुशी का बाइस बनी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं साहब को अल्लाह कादेर हमारे ऊपर कायम रखे, हमेशा सेहत के साथ रखे, हर बलाओं से मुसीबत से महफूज रखे और हमारे दरमियान मौजूद रखे। हजारों साल डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब, आज की तारीख में अगर सारे तेलंगाना में अगर कोई सारे एमपीओ को लेना अगर शुरू करेंगे, अगर तारीफ के बाइस अगर कोई एमपी अगर तेलंगाना में है तो डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब हैं। कभी भी आप फोन करो, कभी भी उनके पास जाके मिलने के लिए जाइए। हर एक के लिए जो है 24 आवर सर्विस में अगर कोई एमपी तेलंगाना में है तो आज डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब हैं। हर एक को मिलजुल के फ्रेंडली एमपी बोल सकते हैं आप, फ्रेंडली एमपी ऑफ तेलंगाना का खिताब अगर किसी को देना चाहिए तो वो जो है डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब है। यानी हर काम में डेवलपमेंट के काम में अगर आप जाएंगे साहब, ये हमारा प्रॉब्लम है, खुद आकर वो प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। उनकी जो है उम्र की लंबी उम्र के लिए आरामगढ़ में जो है फूड की तस्सीम हुई और जो है केक कटिंग का जो है प्रोग्राम रखा गया केएमआर में, तो हमारे तहे दिल से जो है ये दिल की तमन्नाएं हैं कि जो आप जियो हजारों साल, यह है दिल की आरज़ू।